तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम पिवट टेबल के थर्ड पार्ट को कवर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा कनेक्टिंग की। जी हाँ, मतलब कि अब पिवट टेबल हम लगाते हैं, पिवट टेबल के दूसरे पार्ट, पहले दूसरे पार्ट में हमने पिवट टेबल लगाने के सारे चीजों के बारे में जाना। अब तीसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास डेटा फिक्स ना हो, डेटा किसी और सोर्स पे हो, तो वहां से हम कैसे पिवट टेबल लगाएंगे। डेटा कई अलग अलग पार्ट में हो तो वहां से कैसे पिवट टेबल लगाएंगे, आज हम इसी चीज के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सेम डेटा को हम बात करते हैं कि सेम डेटा आपके सामने है, मुझे इसी डेटा को ऑटोमेट करना है कि भाई हर बार रेंज जो मैं ले रहा हूँ वो रेंज ना ले, अलग अलग मतलब कि हर बार मुझे रेंज लेना ना पड़े, ऑटोमेटिकली मेरा रेंज जो है अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर ले। कल की क्लास में देखा था कि जैसे ही मैं पिवट में डेटा बढ़ाया था, तो पिवट में डेटा बढ़ाते ही क्या हो गया था, मुझे पिवट में जाके उसका रेंज अपडेट करना पड़ा था। तो रेंज अपडेट ना करना पड़े, जैसे मैंने पिवट लगा लिया, मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे पिवट टेबल लगा लिया, लगाने के बाद यहाँ पे पिवट टेबल आ गया। कल के डेट में अगर मैं नीचे अपने डेटा के नीचे का डेटा ऐड करता हूँ तो पिवट उसको कंसीडर नहीं करता, लेकिन जब एक डैशबोर्ड बनाते हैं तो वहां पे तो कई सारे पिवट बनाते हैं। लास्ट डैशबोर्ड आपने देखा होगा कि हमने जो पिवट टेबल के थ्रू बनाया था, इसमें हमने कितने सारे पिवट लगाए थे। अब इमेजिन कीजिए, तो छोटा सा डैशबोर्ड था, छोटा सा था, लेकिन ऑफिस के अंदर में ऐसे बहुत बड़े बड़े डैशबोर्ड्स होते हैं और उसके लिए हम वहां पे 20, 25, 50 पिवट टेबल लगाते हैं, तो हर पिवट टेबल को अपडेट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। तो क्या करें जो पिवट टेबल अपडेट ना करना पड़े। तो इसके तीन जो है तरीके हैं। चलिए, तरीका नंबर वन, हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल में आपके सामने टेबल होता है, इस टेबल में कन्वर्ट कर, पहले टेबल में कन्वर्ट करने के बाद यहां अगर मान लीजिए कोई भी डेटा हम अगर लिखना चाहें, से आज का डेट डालें, तो ऑटोमेटिकली देखिए टेबल अपने आप को इंक्रीज हो गया, लेकिन ये अभी उतना कारगर नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि हम डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें कंट्रोल जेड अगर यूज करते हैं तो पिवट इंक्रीज नहीं होता, हमें मैनुअली इंक्रीज करना पड़ जाता है टेबल। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसको हम परफेक्ट नहीं कहेंगे अगर मुझसे पूछा जाए तो। डेटा में डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके फिर पिवट लगाएं, ये आपका वहां पे होगा जहां पे हमने जहां पे छोटा मोटा डेटा हो तो वहां पे वर्क कर जाता है। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल डेटा सोर्स, कि पिवट को हम एक्सटर्नल तरीके से डेटा लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, तो पिवट टेबल जब लगाते हैं इसी के नीचे आता है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इस एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाएंगे, चूज कनेक्शंस में जाएंगे, ब्राउज फॉर मोर पे जाके जो डेटा हमारा पिवट थ्री जहां सिलेक्टेड है वहां पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपका पिवट, ये देखिए ये टेबल्स लिस्ट आ गया, C1 में डेटा है, C1 को सिलेक्ट किया, देन ओके, देन ओके, यहाँ पिवट लग गया। ए क्या होगा, अब ए ऑटोमेटिक अपडेट होगा, पर रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा ऑटोमेटिक, किसी भी करीब कंडीशन में रिफ्रेश तो आपको करना ही है, तो रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए आपका परफेक्ट वर्क करेगा कि डेटा के अंदर जो भी आप अपडेट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे ही पिवट को रिफ्रेश करेंगे पिवट में डेटा आ जाएगा, आपको बार बार रेंज चेंज करने की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर वन कि ये सिर्फ रो को अपडेट करता है, मतलब कि अगर आपका रो बढ़ता है तो अपने आप को अपडेट कर लेगा, कॉलम अपडेट नहीं करता है। एक्सटर्नल डेटा सोर्स के थ्रू जब भी आप पिवट लगाते हैं तो कॉलम को अपडेट नहीं करता है,
पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है कि हमने जो पिवट लगाया वो एक रेंज के थ्रू लगाया, एक एड्रेस के थ्रू लगाया, ई ड्राइव में जाके डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर जाके पिवट थे। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे सिस्टम पे ये चीजें तो है बट आपके सिस्टम पे ना हुआ तो, क्योंकि फिर क्या होगा कि डैशबोर्ड सिर्फ मेरे पास चलेगा बाकियों के पास और नहीं चलेगा। दो प्रॉब्लम थी। तो रंजीत जी, संजय जी, कौशिक जी, दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया? हाँ समझ गए। एक्सटर्नल डाटा हमारे पास नहीं रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा तो डैशबोर्ड काम ही करेगा ना, क्योंकि नहीं डाटा डैश, सोर्स नहीं रहेगा। मैंने बोला कि हमें, मेरा एक्सटर्नल डेटा सोर्स से मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि मेरा डेटा दिन पर दिन अपडेट होता है। क्योंकि मान लीजिए डेली सेल्स रिपोर्ट है आपका, मैंने कि टिल डेट सेल्स रिपोर्ट होता है, मंथली मंथ टिल डेट सेल्स रिपोर्ट होता है, उसमें क्या होता है कि हर दिन का सेल्स एक के नीचे एक के नीचे ऐड होते जाता है। एक देखिए, रिपोर्ट दो तरह के होते हैं। एक रिपोर्ट हुआ कि आपको डेटा मिल गया, उस पर रिपोर्ट बनाकर आपको भेज देना है, वन टाइम रिपोर्ट हुआ कि भाई डेटा, हर बार डेटा हमारे पास नया आएगा, ठीक है ना? तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, डेटा डालिए, पिवट को, पिवट जो भी लगा है उसको रिफ्रेश कीजिए, इंक्रीज डिक्रीज कीजिए और कर लीजिए। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमारे पास क्यूमुलेटिव डेटा होता है, रनिंग टोटल डेटा होता है, मतलब कि हर दिन डेटा आता रहता है और उसके अंदर हमें ऐड कर करके अपने रिपोर्ट को अपडेट करते रहना होता है, ठीक है? जैसे कि डेली सेल्स रिपोर्ट, मंथ टिल सेल्स रिपोर्ट, कि भाई अभी तक कितना सेल हुआ, अभी तक का सेल रिपोर्ट दिखा दो, या ईयरली टिल होता है कि अभी साल का इस अभी तक का सेल्स रिपोर्ट दिखा दो। तो उसमें क्या होता है कि हर दिन जो सेल्स का डेटा आता है वो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट करते जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे मुझे हर दिन अपना पिवट को अपग्रेड करना पड़ेगा, एवरी डे। तो वहां पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। दो तरीके समझाया, पहला मैंने समझाया टेबल्स, आप डेटा को टेबल्स बना लो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरा मैंने बताया कि आप इसको एक्सटर्नल सोर्स के बे में लेके जाए, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके पीसी पे वर्क करेगा, क्योंकि जो पिवट, मेरा जो पिवट टू जो है, आप देख पा रहे हैं, जो पिवट टू कनेक्टेड है एक्सटर्नल सोर्स से, इसी फाइल के अंदर सीट वन से कनेक्टेड है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स के मेथड के अकॉर्डिंग। आप डेटा मेनू बार के अंदर क्यूरी कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वहां पे आपको एक पाथ दिखेगा। देखिए यहाँ पे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर डेफिनेशन में आएंगे तो देखिए दिख रहा है आपको एक पाथ। अब ये पाथ तो मेरे पीसी पे वर्क करेगा ना, आपके पीसी में ई ड्राइव डैशबोर्ड होगा तभी तो करेगा। आपके पीसी में ई ड्राइव ना हुआ तो, या जिसको आप भेज रहे हैं उसके पीसी में ई ड्राइव नहीं हुआ तो, समझ रहे हैं रंजीत जी? आप समझ में आया? तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि मेरा पिवट का डेटा ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाए। तो आई थिंक जब हमने पहली क्लास या दूसरी क्लास आपकी ली थी डैशबोर्ड की, तो उस पे मैंने समझाया था एक ऑफसेट का फॉर्मूला। अब चलिए बारी आती है ऑफसेट फॉर्मूला समझने की। तो ऑफसेट का फॉर्मूला क्या करता है, रेंज बनाता है, एक सेल एड्रेस बना के देता है। जैसे कि मैंने यहां बोला कि आर से स्टार्ट करो, जीरो रो जीरो कॉलम, और हमने बोला कि दो हाइट और ए वन वेट। ये क्या करेगा, वो क्यू वन से क्यू टू का रिजल्ट बना के दे देगा। जीरो आया बट ए क्या कर दिया, रिजल्ट। अगर इसको हम क्या करते हैं, सम के अंदर लगाते हैं, स्मॉल क्या वाला, सम के अंदर लगाएंगे तो आप यहां देखिएगा, आपको कहां पे फॉर्मूला बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूला का वर्किंग प्रोसेस दिखेगा। तो क्यू वन से लेके दो रो लिया, इसमें देखा आपने क्यू वन से क्यू टू, क्योंकि हमने क्या बोला कि इसकी विड्थ, विड्थ क्या हुआ, सबसे लास्ट वन जो है कॉलम बता रहा है कितने कॉलम चाहिए, और ये जो टू जो दिया हमने वो बता है रो। तो हाइट जो होता है वो रो होता है, विड्थ जो होता है वो कॉलम होता है, और ये जो जीरो वन, तो मतलब कि आपको एड्रेस शुरू कहाँ से करना है, जीरो से किया तो क्यू वन से शुरू किया, अगर वन कर दूंगा तो क्यू टू से शुरू करेगा, ठीक है?
हाइट और विड्थ होता है, तो ये क्या बनाता है, एड्रेस बना के देता है। अब पिवट टेबल को मुझे एड्रेस ही तो चाहिए, तो यहाँ हम ऑफसेट फॉर्मूला लगा लेंगे। ऑफसेट फॉर्मूला पे हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और जो रो नंबर है वो जीरो कर दिया क्योंकि मुझे A1 से ही स्टार्ट। और यहाँ पे कॉलम भी मुझे सेम चाहिए। अब हाई मतलब कितने रो का डेटा है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा डेटा बढ़ते रहता है, आज 10,000 है तो कल 12 हो जाएगा, तो परसों 15,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे काउंट ए। काउंट ए क्या करता है कि कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जब कॉलम ए में बताएगा कि कितने कॉलम में, कॉलम ए के अंदर कितने रो के अंदर कुछ लिखा हुआ है, सेल वैल्यू है, ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक के छोर को सब कुछ काउंट करके देता है काउंट ए। तो हमने हाइट बोल दिया कि भाई जितना काउंट ए का रिजल्ट है उतना हाइट है, और विड्थ में भी हम सेम यहाँ काउंट ए लगा देते हैं, और काउंट ए को सिलेक्ट कर लिए, तो हाइट किया। अब इसको क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं F4 से, ये जरूरी है। और इसको समझने के लिए हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे तो ही एंटर मारूंगा तो पूरा डेटा ही यहाँ पे शो कर देगा, क्योंकि एड्रेस शो नहीं करता ना, पूरा डेटा शो करता है। तो इसको अगर एवलेट फॉर्मूला में जाएंगे तो देखिए ऑफसेट क्या कर रहा है। ये देखिए, ये 9651 का रो काउंट ने दिया और 13 कॉलम दिया, कितने कॉलम दिए, 13 कॉलम दिया। तो ऑफसेट ने क्या किया, पूरा एक एड्रेस बना दिया A1 से लेके M651। अगर मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट जब पिवट लगाऊंगा यहां से, तो पिवट भी डायरेक्टली इसी रेफरेंस को पकड़ा, A1 से लेके M9651 ही पकड़ा, यही काम हमारा ऑफसेट करके दे रहा है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम डाल सकते हैं पिवट के रेंज में, लेकिन ऐसा हम ना करेंगे क्योंकि तो मुझे कई सारे पिवट लगाने हैं, तो हर बार फॉर्मूला देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को कहाँ डालेंगे, फॉर्मूला मेनू बार के अंदर डिफाइन नेम के अंदर यहाँ डेटा नाम का एक नेम बना लेंगे, और यहाँ पे हम इक्वल करके फॉर्मूला डाल देंगे, देन ओके। पुराना एक्सेल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लेगा ही नहीं, नया एक्सेल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेगा। अब मुझे कहीं भी पिवट बनाना हो, बस वहां पे कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद हम क्या, हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है पिवट टेबल, और यहाँ पे अपना जो डेटा हमने नाम दिया था वो नाम यहाँ पे टाइप कर दो एड्रेस की जगह पे, एंड ओके कीजिए। यहाँ देखिए Pivot3 हमारे उस डेटा पे लग चुका है, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, हर पीसी पे वर्क करेगा, और जितने पिवट लगाने हमारे लगाने भी सॉल्व हो जाएगी, बार बार मुझे डेटा शीट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से डायरेक्ट पिवट लगा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था ऑटोमेट, ये डायनेमिक रेंज विथ पिवट टेबल। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। रुमन जी, रंजीत जी, संजय जी, समझ में आया आपको? संजय गांधी जी, कोई दिक्कत इसमें है? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं वो तो सर आप ही को करना पड़ेगा, आपके बदला में हम तो करेंगे नहीं। कौशिक जी, कुछ प्रॉब्लम? सर, हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है इसमें, लाइक जैसे हमने काउंट काउंट लगाया था फॉर्मूला, काउंट ए हाँ जी, हमारा जो है कंटिन्यू डेटा है, जी, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई सेल ब्लैंक है डेट में नहीं बीच में, तो वहां पे ये फॉर्मूला वर्क करना करेगा नहीं। तो आपको एक ऐसा कॉलम सिलेक्ट करना हो, हर डेटा में कोई ना कोई एक यूनिक कॉलम जरूर होता है, तो उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए ना। बिल्कुल सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब बात डेट्स समझ गया, में, लेकिन डेटा में कोई तो ऐसा कॉलम होगा जो कंटिन्यू होगा। देखिए हर चीज का बेनिफिट होता है तो नुकसान तो होता ही है।
दूसरा इसका अल्टरनेशन सर इनडायरेक्ट फॉर्मुलेशन की शायद हम इसको कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्मूले से भी नहीं हो। हाँ इसके लिए फिर वो एरे फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। वो थोड़ा आगे देखिए समझ सकते हैं तो समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा अपना सबसे लास्ट, जो दिख रहा है ना ये लास्ट लास्ट रो, ठीक है ना। तो लास्ट रो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे फॉर्मूला मैक्स का। इसका देंगे मैक्स, मैक्स के अंदर देंगे इफ फॉर्मूला। इफ में हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, ठीक है, और इस सेलेक्ट करने के बाद बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम बोलेंगे रो, और इस रो को ले लेंगे, ठीक है, और यहां पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा, मैक्सिमम रो नंबर दे देगा। अब यहां पे देखिए मैंने पूरा रेंज नहीं लिया, आप यहां पे इसका पूरा रेंज लीजिएगा, पर पूरा रेंज लेते ही एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आपका एक्सेल हो जाएगा स्लो, क्योंकि ये मैनुअली 10 लाख रो को सिलेक्ट करेगा। समझ गए, अभी स्लो दिखा रहा है लेकिन जब बड़ा डेटा होगा ज्यादा होगा दिक्कत होगा। अब मुझे यहां पे पता चल गया मैक्सिमम रो पता चल गया। अब आपकी कॉलम फिक्स है तो ठीक है, अगर कॉलम में भी बोलते नहीं सर पता नहीं कॉलम का इधर उधर होता है तो उसका भी कर सकते हैं, हालांकि चलो इसी वे पे हम कॉलम भी निकाल लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे देते हैं मैक्स, मैक्स मैक्स में हम देंगे इफ, इफ में हम पूरा का पूरा रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो तो यहां पे लगेगा कॉलम का फॉर्मूला, किसका कॉलम, और कॉलन फॉर्मूले में भी आप पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहां एंटर मारिए। तो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम पता चल गया। अब यहां आप एड्रेस का फॉर्मूला लगाइए और इसमें रो नंबर कॉलम नंबर दीजिए, आ गया एंड का, और स्टार्ट आपको पता ही है कि A1 है। अब इन दोनों को क्या कीजिए, कॉनकेट कर दीजिए, ठीक है सर। और जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला आपने, हमने नहीं आपने बताया कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप। इस तरह से जब हम हाँ मैथ्स के थ्रू निकालते हैं सर, तो हमारा जो मैंने ब्लैंक वाला क्वेश्चन कौन दिया कहा है सर, वो भी प्रॉब्लम कहीं हद तक शायद सॉल्व हो जाता है इसके साथ, अरे तो फुर्सत में निकलने वाली क्योंकि होती बीच कहीं में का कहीं पे ब्लैंक भी है मजाक कर हमारा रहे तुम। गेट। लखन दो और कहाँ जाए, क्यों हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में, ना रोटा लेके, रोटा कथी जान बांध लिया था, रोटा ये की फार अभी कथी बांध लिया था, अभी कथी बांध लिया था। ओ तो चलावा ना था तो बना कर कह चो कि ना कल्ले कॉली हो, कल्ले से तू हमारा पेंडिंग में डाल देना। लेते सर बोल रहे थे कि इस वाले पोर्टल के थ्रू यदि लगाते हैं तो सारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो ही जाता है कि यदि कहीं पे ब्लैंक है भी रेंज में बीच में तो जी ये मैक्स को ही देगा उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्लैंक से मतलब नहीं हो, बस लास्ट वाला ब्लैंक होगा तो वो लास्ट नहीं उठाएगा, लास्ट वाला का ब्लैंक हुआ तो यही तक उठाएगा, बस इसका यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको भी ऑटोमेट करने के लिए फिर आपको वीवीए में जाना, ठीक है।
तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला में डाला, अभी इस सारे फॉर्मूले को कंबाइन करके आपको नेम मैनेजर में डालना होगा और फिर वहां से यूज करना होगा, ठीक है सर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत से एक्सेल को हैंग करेगा, इसलिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है, इसको रिकमेंड मैं नहीं करता हूं क्योंकि ये बहुत हैंग करेगा। अब मेरे पीसी पे हैंग नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे पीसी में 32 GB का रैम है, i7 32 GB रैम, इसलिए। चलिए, तो हमने एक प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व की, हमने अपने पिवट के अंदर डेटा को ऑटोमेट किया, राइट। सेम उसी तरह से अब हम बात करेंगे दो चीजों पे। पहली चीज कि हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कैसे पिवट लगाएं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक डंप फाइल होता है, ठीक है सर, अब उस डंप फाइल के ऊपर पिवट लगा के रिपोर्ट लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि डंप फाइल होता है 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे लाखों में होता है, या हो सकता है कि आपकी जो डंप फाइल है वो सिक्योर फाइल है, वो हर किसी को आप उसको यूज करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसने उसको ओपन किया तो मे बी कुछ चेंज कर सकता है या कुछ और चीजें कर सकती है। सो उस फाइल की ओपनिंग परमिशन किसी को नहीं है, समझ में आया सर। तो आप चाहते हो कि मेरा एक फाइल जो कि डी ड्राइव पे पड़ा हुआ है उसकी पीवर्ड मैं अपने डेस्कटॉप पे बनी एक फाइल के ऊपर ले लूं। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया था दूसरे पिवट टेबल 2 के अंदर, वो काम यहां करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस और ब्राउज फॉर मोर, यहां पे जाके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप एक्सेल फाइल से ही लगा, आप इसको जो है इससे एक्सेस की फाइल से भी, न्यू सोर्स में जाएंगे तो एसक्यूएल से भी, ओरेकल से भी आप डेटा ले सकते हैं, ठीक है, एज ए पिवट टेबल के फॉर्मेट में। तो वहां पे इससे क्या होगा कि आपको इसे मान लीजिए पिवट टेबल 2 से मैं डेटा ले रहा हूं, तो पिवट टेबल 2 को खोलने की जरूरत हमें नहीं है, हम पिवट टेबल 2 को बिना खोले ही पिवट यहां लगा रहे हैं। इससे क्या हो गया कि हमारा जो पिवट टेबल 2 वाला जो फाइल है उसके डेटा में हम किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और दूसरा कि डेटा लार्ज होगा, सिर्फ पिवट लगाते समय जो प्रॉब्लम होगी वही होगी, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे पिवट टेबल लगानी है लेकिन मेरे पास बहुत ही डंप फाइल है, लार्ज डेटा है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से पिवट लगानी है। मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा इंडिया का डेटा है बट मुझे सिर्फ दिल्ली के डेटा पे पिवट लगानी है, मुझे दिल्ली का पिवट आना चाहिए यहाँ पे, मैं पिवट लगा के दिल्ली फिल्टर नहीं करना चाहता, मेरा पिवट ऑलरेडी दिल्ली का ही लगना चाहिए बट डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ओवर इंडिया का। इस केस में हमें पावर क्वेरी लेके जाना पड़ेगा, यहाँ डेटा के अंदर, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक, और यहां पे मैंने अपना पिवट टेबल 2 को सिलेक्ट कर लिया, देन इंपोर्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा लेता है, ज्यादा टाइम नहीं, इसमें अपना फाइल सिलेक्ट कीजिए और सीधे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे पावर क्यूरी के ऊपर। अब पावर क्यूरी में आप अपने हिसाब से जो छेड़छाड़ करना चाहते हैं वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए दिल्ली का डेटा, तो मैं यहाँ पे दिल्ली को फिल्टर लगाया एंड ओके कर दिया। उसके अलावा और भी फिल्ट्रेशन करनी है, कुछ कॉलम को रिमूव करना है, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, किसी कॉलम के कुछ और करने से प्रॉफिट परसेंटेज बनना चाहिए था तो मैं यहाँ से इसका डेटा टाइप जो है नंबर के जगह पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इस तरह की चीजें मैं यहां से चेंज मींस करके एंड फिर यहां पे क्या कर सकता हूं, लोड एंड क्लोज। अब यहां अब लोड एंड क्लोज कर दिया तो पूरा डेटा आ गया,
लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, लोड एंड क्लोज टू, उस पर पिवट टेबल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको एडिट करता हूं और इसी में लोड, यहां लोड एंड क्लोज टू वर्क नहीं करेगा, एक बार लोड एंड क्लोज कर दिया तो लोड एंड क्लोज टू वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका वहां पे चॉइस देगा कि आपको क्या चाहिए। अब यहां पे पावर पिवट की बात कर लेते हैं। देखिए पावर क्यूरी तो लेटेस्ट वर्जन में आया था, लेकिन पुराने वर्जन में पावर पिवट चलता था। पावर पिवट का यूज क्या होता है, अब इसके लिए मुझे एक फाइल ओपन करके दिखाना होगा। मैं यहां पे पी डेटा नाम का एक फाइल ओपन कर रहा हूं, अब आपको समझाता हूं। अब मेरे पास क्या है कि तीन चीजें हैं, यहां पे देखिए एक एक्सेल फाइल है, उसमें तीन अलग अलग सेल्स पे फाइल है। अब तीनों फाइल में क्या है कि यहां आप दिख पा रहे हैं कि यहां पे सेल्स है, सेल्स के अंदर में सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है, यहां दिख रहा है सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, यहां पे सीआईडी है और यहां पे प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की जो डिफरेंट डिटेल्स है, प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो प्रोडक्ट बारे सीट पे है, और ऐसे ही जो हमारा कस्टमर की डिटेल्स है वो कस्टमर वाले सीट पे है। अब मुझे जो पिवट लगाना है तो उसमें मुझे कस्टमर का नेम भी चाहिए, प्रोडक्ट की एमआरपी भी चाहिए, ये तीनों सारे चीजें चाहिए, जो कि एक सीट पे तो है ही नहीं। तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं वी लुकअप लगा के और यहां पर उसको लुकअप कर लू, पहली चीज। दूसरा कि मैं पिवट टेबल के साथ करूं, क्योंकि वी लुकअप अगर लगाता हूं तो मुझे मैं डेटा अगर किसी और से लिंक है तो बार बार वी लुकअप को लगाना पड़ेगा, तो वी लुकअप वाले पार्ट को यहां पे छोड़ देते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, दूसरा पार्ट लेके चलते हैं जो कि है पिवट टेबल के अंदर ही करना। इसके लिए मुझे पावर पिवट टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब पावर पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट आपके मेनू में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लोड करना पड़ेगा। ऐसे फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर याद रहेगा पावर पिवट टेबल 2003 से ही मिलेगा आपको, यहां पे एडिंग्स के अंदर, यहां पे कॉम एडिंग्स, कॉम एडिंग्स में जाएंगे करेंगे गो, और यहां पे क्लिक करके यहां पे देखिए पावर पिवट जो अनचेक्ड होगा वो चेक करके आप ओके कर दें और बाकी ओके ओके करते चले जाए, तो यहां आपको पिवट टेबल का नया ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके मैनेज वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग एक्सेल जैसा ही विंडो खोल के देगा। अब इसमें देखिए डेटा दिख रहा है लेकिन डेटा डिफॉल्ट नहीं होगा, ये तो मैंने डाल लगा इससे पहले किसी को पढ़ाया था तो इसमें ऑलरेडी है, मैं डिलीट करके दोबारा इसके अंदर डेटा डालता हूं। ये पिवट टेबल का बैक साइड होगा, अब यहां कुछ भी करेंगे तो मेरा डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई थोड़ा सा स्लो चलेगा तो पेशेंस रखिएगा। देखिए मेरे यहाँ 32 GB का रैम पे हाल है, तो आपके बाकी पास तो 8 से 16 GB होगा, शायद ही 16 GB होगा, 8 ही GB होगा आप लोगों के पास। बच्चे कहते हैं कि सर आपके यहाँ तो तुरंत तुरंत हो जाता है, मेरा नहीं होता, तो ये बता देना होता है कि मैंने रैम बढ़ा रखी है, मैक्सिमम पे है। देख स्लो काम कर रहा है ना, तो सीट को डिलीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपने डेटा सीट पे जाना है और डेटा को सिलेक्ट करके और यहां पे एड टू डेटा मॉडल करेंगे तो ये देखिए कहां पे डेटा आ गया, आपके पिवट टेबल पावर पिवट टेबल। फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, अगेन इसको सेलेक्ट किए और यहां पे एड टू डेटा मॉडल, फिर अगेन तीसरे डेटा को लिए
यहाँ पे ऐड टू डेटा, ये स्लो इतना चल रहा है, बिल्कुल काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। अब इसका नाम जो सीट का नेम चेंज करते हैं ना, ऐसे इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो टेबल वन जो कि है हमारा, इसमें सेल्स है, इसका नाम हम सेल्स रख देते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं कस्टमर, ठीक है। तो सेल्स, प्रोडक्ट, तीन अलग अलग यहाँ पे सीट पे डेट है। अब तीनों के बीच में रिलेशन करना पड़ेगा ताकि पता क्या चलेगा कि भाई इसमें किसके हिसाब से प्रोडक्ट से लेना है डेटा, किसके हिसाब से लेना है आपको कस्टमर से डेटा। तो इसके लिए मुझे जाना होगा डायग्राम व्यू पे, और डायग्राम व्यू पे आने के बाद आपका मेन सेल्स है, सेल्स को लीजिए। अब यहां से पीआईडी को उठा के मैंने इसके पीआईडी पे ड्रॉप कर दिया, और फिर यहां से सीआईडी को उठाया और इसके सीआईडी पे ड्रॉप कर दिया, तो ये तीनों सीट आपस में लिंक होगा। फिर वापस डेटा व्यू पे क्लिक कीजिए और जो कॉलम ऐड करना चाहते, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मुझे एक नया कॉलम चाहिए और यहाँ पे एमआरपी चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया इंसर्ट कॉलम। सिर्फ यहाँ पे हम आपस में इंटरलिंक ही नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर फील्ड है, इसका नाम जो है कॉलम वन के जगह पे लिख देते हैं एमआरपी। ये थोड़ा स्लो वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा। तो हाँ लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं एमआरपी के बाद करना चाहता हूँ थोड़ा सा सिक्वेंस के लिए। यहाँ पे रिलेटेड वी लुकअप का फॉर्मूला वर्क नहीं करता, यहाँ पर रिलेटेड फॉर्मूला वी लुकअप की तरह वर्क करता है। तो रिलेटेड में गया मैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने प्रोडक्ट की एमआरपी उठा ली, सिलेक्ट कर लिया, टैब से सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ आपको एमआरपी शो हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अमाउंट है कि एमआरपी और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां ऐड कॉलम पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया अमाउंट, तो स्लो वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। डेटा बड़ा हो तो और ज्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए हम इस पे काम ना करके पावर क्वेरी पे काम करते हैं। अब यहां पे हमने सिंपल किया क्वांटिटी सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, एमआरपी को टैब से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस। अब यहाँ ऊपर पिवट टेबल आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप नई सीट में पुराने सीट में कहीं भी अपने पिवट टेबल को लेके चले जाए, और पिवट तीनों सीट के ऊपर पिवट टेबल आपका वर्क करेगा।
स्लो हो गया, तो जनरली तो स्लो तो होता नहीं है, एरे वाला फॉर्मूला भाई इसलिए, देखिए एरे फॉर्मूला है इसी कारण स्लो हो रहा है। हाँ सर सुन रहा हूँ। सर ये पूछ रहे थे कि क्या जो हमारी हेडिंग्स हैं ऊपर तीनों टेबल्स में अलग अलग, तो वो हेडिंग सेम होना चाहिए नहीं, कंपल्सरी? हेडिंग्स, हेडिंग्स मतलब इसको नहीं ना है सर हमें। हाँ रिलेशन क्रिएट करना है आपके। वो आप उठा कर रख दीजिए, हेडिंग दोनों में सर सब में सेम होना जरूरी नहीं है। ये देखिए हैंग हो गया, हेडिंग से कोई लेना देना नहीं। ये हैंग इतना क्यों हो गया, ये हैंग इतना होता नहीं है। वो एरे फॉर्मूला लगाया ना कौशिक जी, देखिए एरे फॉर्मूला एक माल, इसलिए मैं एरे के लिए मना कर रहा था। तो सर सेम चीज यदि आपके सिस्टम में 32 GB पे इतना हैंग हो रहा है तो बाकी तो फिर होगा क्या? हाँ तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि हैंग होगा, इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया। इस फॉर्मूले का यूज वहां करते हैं जहां पे हमारा कम डेटा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 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 दिक्कत होती है तो फिर हमारे पास वीवीए प्रोग्रामिंग इसी चीज के लिए है ना। अल्टरनेटिव सर फिर जैसे आप बता रहे पावर क्वेरी, पावर क्वेरी में सर डेटा मॉडल रहता है क्या अपने? जी हाँ, सब सब जी, बिल्कुल पावर क्यूरी में सब चीजें है। बेसिकली ये पुराना मेथड है जो अभी जी वो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज और बताइए, पावर क्वेरी को बताता हूँ क्या है। देखिए पावर क्वेरी में अभी मेरे पास एक फोल्डर है और फोल्डर में 10 फाइल है। मान लीजिए मेरे पास जो फाइल आती है ना कुलेटेड नहीं आती है, डेली बेसिस से मुझे एक फाइल मिल जाती है, भाई ये 1 तारीख की सेल्स की फाइल है, 2 तारीख की सेल्स की फाइल है, 3 तारीख की सेल्स की फाइल है। अब ऐसे मुझे हर दिन आते रहता है, तो हर दिन मुझे अपने डंप डेटा में एक के नीचे पेस्ट करके फिर उस पर पिवट बनाना पड़ता है। तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन है कि आप यहाँ फ्रॉम फाइल के अंदर, इस डेटा मेन्यू के अंदर फ्रॉम फोल्डर पे चले जाइए, ये डायरेक्ट फोल्डर के फाइल को कुलेट करके पिवट लगा देगा, ठीक है सर। देखिए यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर यहाँ पे आपका एक डेटा नाम का फोल्डर है, इसमें 8 फाइल है, इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे फाइलों का लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट आ गया, 8 नहीं 10 है, ठीक है सर, 10 फाइल है। बट यहाँ पे मन जी सबों का डेटा सेम होना चाहिए, मतलब डेटा टाइप हेडिंग सेम होना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग हेर फेर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हेडिंग के अकॉर्डिंग लेगा। अब यहाँ पे कंबाइन एंड लोड टू क्या कीजिएगा, कंबाइन एंड ट्रांसफर कीजिएगा तो पावर क्वेरी में चले जाइएगा, कंबाइन एंड लोड कीजिएगा तो डायरेक्ट डेटा आ जाएगा, कंबाइन एंड लोड टू कीजिएगा तो आपको ऑप्शन देगा कि आपको क्या चाहिए। तो कंबाइन एंड लोड टू पे क्लिक किया, एक फाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अभी लिस्ट आएगा फाइल का, जिस फाइल के अंदर में मेरा पूरा का पूरा डेटा है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लिया, C21 को सिलेक्ट कर लिया, अब कोई एरर आ सकता है तो स्किप कर दिया। अब 200 फाइल का डेटा एक के नीचे एक की चिन्ह डाल के आपको पिवट लगा देगा। यहाँ पे देखिए पिवट टेबल आ गया, पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, देन हो। अब ये मजे की बात ये भी है कि कल के डेट में कोई नई फाइल अगर आती है तो ये अपने आप को अपडेट कर लेगा, ठीक है। जैसे कि सोर्स नेम यहाँ देखिए कि हर फाइल का सोर्स नेम आ गया, और यहाँ नेम डाल दिया मैंने, और यहाँ जनवरी का टोटल डाल दिया मैंने, अप्रैल का टोटल डाल दिया। तो फाइल 1 में इतना था, फाइल 2 में इतना था। सोर्स नेम हटा दीजिए,
पूरा ओवरऑल रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। कल के डेट में अगर कोई फाइल ऐड होती है तो एक बार रिफ्रेश कीजिए, ऑटोमेटिकली देखिए वो फाइल का डेटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। ये मजेदार चीज है, इसका यूज आप कर सकते हो। इसमें डेटा कंबाइन करने के लिए क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, बट कंडीशन ये है कि सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप अलग अलग हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप बोल रहे थे रिलेशनशिप वगैरह, तो आप डायरेक्ट पिवट के अंदर भी रिलेशनशिप है उसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए डेटा मॉडल में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो है इसके अंदर भी डेटा मॉडल पावर क्वेरी, पावर क्वेरी को ध्यान से देखिएगा पता चलेगा, ठीक है। तो कल से हम जो है पिवट टेबल कल एक डैशबोर्ड पे बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक आप लोग पिवट पे प्रैक्टिस कर लीजिए।